मैं हिंदू तो सिख बनकर इसलिए आया कि थोड़ी शायद होता है मेरी प्रेरणा देने वाली कुछ हो जाए इदा करके। मैं पहले तो उन्होंने दसागा कि मैंने खालसा बन करके इतना प्राउड फील हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड च कि मैं बता नहीं सकता कि अपना मैनू है जड़े है गुरुमाज ने ऐसा ताज देता है कि यह ताज जड़ा है मैनू मरदे दम तक चाहिए है। इस तो बड़ा ताज नहीं है दुनिया च कोई, अगर कोई राजा महाराजा ही बन जाता है ना तो राजा महाराजा साड़ा राजा महाराजा जो है महाराजाओं के शहनशाह श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी उन्होंने ही जो है अपने सिंहां नूं राजा बना रखे है। मोर्चे से फतेह करने वास्ते आए हुए और इन्हें मोर्चे नूं फतेह असीं हुणी 15 मिनट के अंदर कर लिए अगर सानू बुजुर्ग जो है बड़े है जो है इजाजत दे देन। अच्छा तो अपना बैरिकेड क्या इतने तो अपना सीएम दे ऑफिस नो अपना जो है क्या नाम है उत्थे पहुंच जाओगे बल कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। मोदी कुछ भी नहीं है, अमित शाह कुछ भी नहीं है, सब कुछ वाहेगुरु है। बाकी जो है क्या नाम साढ़े वास्ते कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है संसार च, खालसा हर जगह अपना जो है जंगल च मंगल कर सकता है। सेना नहीं और शव सेना है, पहली बार मेरी गल सुन लो, उन्होंने शिव नाम खराब कर देता है। गल की जाए खालसा वहीर चलाई जा रही है बहुत वधिया काम, सब तो पहला तो यह है क्योंकि पंजाब जड़ा लगातार नशे दी दलदल दे विच इस हद तक फस गया कि छोटे छोटे बच्चों दी वीडियोस आ रही हैं इंजैक्शन लगाउण दी, तां कितें ना कितें नौजवानों का रुख जो अमृतपाल दे विच इंट्रस्ट बन गया चाहे किदां भी बन गया होवे तां कितें ना कितें बहुत चंगा गा, पर दूजे पासे अमृतपाल दा बहुत वड्डे पद्धर उत्ते विरोध हुंदा नज़र आया ते तुसीं उन्हां दे इस खालसा वहीर दे विच अपने आप नूं कह सकते गुरु दे लड़ लग गए हो जां समर्पण कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਭ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं पहले तो उन्होंने दसागा कि मैनू खालसा बन करके इतना प्राउड फील हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड च कि मैं बता नहीं सकता कि अपना मैनू है जड़े है गुरुमाज ने ऐसा ताज देता है कि यह ताज जड़ा है मैनू मरदे दम तक चाहिए है। इस तो बड़ा ताज नहीं है दुनिया च कोई, अगर कोई राजा महाराजा ही बन जाता है ना तो राजा महाराजा साड़ा राजा महाराजा जो है महाराजाओं के शहनशाह श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी उन्होंने ही जो है अपने सिंहां नूं राजा बना रखे है। लेकिन राजा हैगे है लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का एहसास नहीं है क्योंकि खालसा पंथ जो है जुड़ना चाहिए है और जुड़ इसलिए नहीं रहा सीगा और लेकिन हुन जुड़ रहा है, हुन इसलिए जुड़ रहा है। मैं हिंदू तो सिख बनकर इसलिए आया कि थोड़ी शायद होता है मेरी प्रेरणा देने वाली कुछ हो जाए इदा करके, तो कामयाब हो गई है बिल्कुल। और इतने बच्चा बच्चा बड़ा तो बड़ा जो भी है सब अपना खालसा अपना इतने मोर्चे से फतेह करने वास्ते आए हुए हैं और इन्हें मोर्चे को फतेह असी होनी 15 मिनट के अंदर कर लिए अगर सानू बुजुर्ग जो है बड़े है जो है इजाजत दे देन। इतने तो अपना बैरीकेड क्या इतने तो अपना सीएम के ऑफिस नो अपना जो है क्या नाम है उत्थे पहुँच जाओगे बल कुछ भी कर सकते हैं असी। मोदी कुछ भी नहीं है, अमित शाह कुछ भी नहीं है, सब कुछ वाहेगुरु है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी है। असी उन्होंने चरण कमलों से चल रहे हैं जिदा वो सानू आशीर्वाद दे रहे हैं असं उदा चल रहे हैं। बाकी जो है कहना साढ़े वास्ते कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है संसार च, खालसा हर जगह अपना जो है जंगल च मंगल कर सकता है। सिख बने हो हालांकि मैं फिर दोबारा ये गल कर रही हूँ भाई जात या धर्म ना की कोई चीज़ ना होनी चाहिए है तो ना ही, क्योंकि जो आप गल कर रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो हर धर्म की बाणी जी उस पाई गई है, पर आप इतने गल करिए कि कुछ हिंदू आगू या कुछ शिवसेना आगू जड़े ने लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं चाहे वह कौमी साहब मोर्चा हो चाहे वह सिखा का हो कि भी शव सेना है। पहली बार मेरी गल सुन लो, उन्होंने शिव नाम खराब कर दिता है, शिव इन्हें बड़े भगवान है उन्होंने शिव लगा करके अपनी सेना नो सिर्फ एक दिखावे वास्ते किया है, वरना शिवसेना ही शिवसेना है क्योंकि उस जिन्हें भी गुंडे बदमाश चोर चक्के मवाली डकैत वो सब है और उसी का परिणाम उन्होंने मिले सूरी नो जो होया और बिल्कुल सही होया गुरुमान ने उन्हें बहुत जल्दी प्रसाद देता। जो भी खालसा धर्म के बारे में कुछ बोलेगा या गुरु ग्रंथ साहब के बेहद भी करेगा मैं उन्होंने जान नाल मार दाँगा। मैं अपना तो चैनल से बोल रहा हूँ। सो गलबात की लगातार विदेशों तो भी लोग जड़े आके शमूलियत पा रहे हैं तो कितने ना कि मान सरकार खास तौर देते ये अपील करते हुए नज़र आए कि उन्होंने इस बाबत जरूर चंगे तरीके दे नाल विचारन दी लोड़ है, मुद्दा हल कराउण दी लोड़ है जल्द तो जल्द। तो दूसरे पास कानून नूं लैके वड्डियां गल्लां कहिंदे हुए नज़र आए, खैर कितने ना कि उन्होंने दिल दे विच एक आस जरूर नज़र आई। वाईपीएस चौंक तो कैमरामैन अमित पैच, वाईपीएस चौंक तो कैमरामैन अंकित ममता, स्काई न्यूज़ पंजाब।